गुड मॉर्निंग, मेरा नाम मौसम शर्मा, मैं नृत्यांगन हॉबी सेंटर की फाउंडर एंड डायरेक्टर। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, मैं सबसे पहले पूरा पटने वासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। तो आप लोग सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमने नृत्यांगन हॉबी सेंटर राजीव नगर ब्रांच में योग शिविर लगाया है। ऐसे तो हम रोज ही योगा करते हैं अपने क्लासेस में, बट आज एक साथ हम लोग सब मिलकर योगा कर रहे हैं। यहाँ पर योग शिविर 2 घंटे का हमने लगाया और इस योग शिविर में हमने बहुत छोटी छोटी बातों को बहुत अच्छे से रखा है कि योग हमारे लिए क्यों जरूरी है। योग हर एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो या फिर 95 ईयर्स का कोई ओल्ड इंसान हो, योग हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हमें किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से करना है, कार्य की क्षमता को बढ़ाना है, तो उसके लिए योग में आना बहुत जरूरी होता है। योग ध्यान योग ध्यान साधना ये हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। कहते हैं कि योग जो है 4 प्रकार के होते हैं, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्मयोग। कर्मयोग जिस काम को हम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और उसमें 100% देते हैं, उसे हम कर्मयोग कहते हैं। राजयोग, हम अपनी ज़िंदगी को कितना अच्छा बना सकते हैं, कितने ऐसो आराम से जी सकते हैं, और ऐसो आराम से तभी जिएंगे जब हम योग के अंदर में आएंगे। ये हुआ हमारा राजयोग। भक्ति योग, भक्ति योग हम सब इंसान के पॉसिबल की बात ही नहीं है, भक्ति योग हम नहीं कर सकते। भक्ति योग वही कर सकते हैं जो बहुत महापुरुष है, साधु संत हैं, वही भक्ति योग को कर सकते हैं। ज्ञान योग कहा जाता है कि हम 5 साल के बच्चे से भी कुछ सिक्के निकल जाते हैं। जो बच्चा जो एक्टिविटी कर रहा है, जब हमारा ध्यान उसके ऊपर जाता है, तो हमें बहुत कुछ वहाँ से सीखने को मिल जाता है। यही है ज्ञान योग। योग का मतलब मिलन, और मिलन का मतलब हर रिलेशन को एक अच्छे तरीके से, अंडरस्टैंडिंग के तरीके से चलाते जाना। तो अगर हमें रिश्ते को अच्छा करना है, घनिष्ठ करना है, तो हमें योग में आना ही पड़ेगा। मन की शांति अगर प्राप्त करनी है तो योग करना ही पड़ेगा। मस्तिष्क और शरीर के मिलन को कहते हैं योग। ध्यान, ध्यान अगर किसी इंसान के पास थोड़ा दिमाग कम है या बाय बर्थ ही उसका माइंड काम नहीं करता है, तो हम उस इंसान को ध्यान के जरिए मस्तिष्क जो होता है ना, मस्तिष्क के दोनों हिस्से वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, इसलिए हम ध्यान करते हैं। ध्यान करने से हमारे सोचने समझने की शक्ति तेज होती है। ध्यान से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो हर इंसान को रोज़ कम से कम, मैं समझ सकती हूँ कि इतने बिजी लाइफ के अंदर लोग योग का बिल्कुल भी टाइम निकाल नहीं पाते हैं, लेकिन अगर हम सुबह जितने बजे उठते हैं उससे आधा घंटा पहले उठे ये सोच के कि हमें योग करना है, तो हम बहुत इजीली योग कर सकते हैं। कहते हैं कि 5:30 से 7 के बीच में, मॉर्निंग 5:30 to 7 AM के बीच में, जो भी इंसान, जो भी औरत, जो भी जेंट्स, जो भी बच्चे योग करते हैं, उनके ज़िंदगी में विटामिन डी की कमी कभी ज़िंदगी में नहीं आ सकती है। योग करना ही क्या है, 5 से 10 मिनट आप अपने छत पर चल जाइए या किसी शांति जगह पर चल जाइए, किसी पार्क में चल जाइए, हल्का फुल्का जॉगिंग कर लीजिए, प्रेशर कर लीजिए, फिर आराम से योगा मैट बिछा के छत पे बैठ जाइए और डीप ब्रेथ 10 से 15 बार लीजिए। 10 से 15 बार हम डीप ब्रेथ लिए, 5 बार ओम का उच्चारण किए। ओम क्या है? ओम, ओ का मतलब उत्पन्न होना, ऊ का मतलब उगना, और माँ का मतलब मौन। अगर ये 3 चीज़ हमारी ज़िंदगी में आ जाए तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। तो हम बैठ के 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे। जॉगिंग हमने कर ली थी, 5 बार हमने उच्चारण कर लिया, उसके बाद हम एक प्राणायाम करेंगे, नाड़ी शोधन प्राणायाम के बहुत सारे बेनिफिट्स है। कहते हैं कि नाड़ी शोधन प्राणायाम हमें किसी भी तरीके का हेडेक हो, माइग्रेन की प्रॉब्लम, ब्रेन ट्यूमर का होना, या फिर रात में नींद का नहीं आना, डिप्रेशन में जाना, छोटी छोटी बातों पर जल्दी रिएक्ट करना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, बहुत ज्यादा इरिटेट होना, अगर हमें ऐसी प्रॉब्लम लाइफ में आती है, तो हम एक काम कर सकते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम जरूर कर सकते हैं। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लेंगे और उसके बाद हम 5 बार सिर्फ और सिर्फ सूर्य नमस्कार करेंगे। तो आपका कितना टाइम गया? 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट अगर हम रोज अपने योग के लिए निकालते हैं, तो हम पूरी जितना भी हमारा जो कार्य करने का क्षमता है दिन भर का, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, बिजनेस हो, जॉब हो, कहीं भी, बैंक हो, डॉक्टर हैं, जो भी है, तो हमें उस काम में बहुत बहुत मन लगेगा, हम काम को बहुत ईमानदारी के साथ कर सकते हैं। कहते हैं कि जब कोई महिला गर्भवती होती है, उस समय लोगों का कन्फ्यूज़न होता है कि प्रेग्नेंट वुमेन को योग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है, तो उसको प्रेगनेंसी के दौरान, आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने के बाद वो योग स्टार्ट कर सकती है। और योग स्टार्ट करने से उनको बेनिफिट क्या होता है, 9 मंथ के दौरान जो पैर का खींचने का प्रॉब्लम, जो कमर के दर्द, पीठ के दर्द, जी मचलाना, वोमिटिंग होना, रात में नींद का नहीं आना, ब्रेथ का जल्दी आना, अगर ऐसी प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के दौरान होती है, तो योग से हमें बहुत मदद मिलती है।
मिलती है। लेकिन हाँ, किसी भी आसन, किसी भी प्राणायाम को करने से पहले किसी डॉक्टर की सलाह जरूर लेंगे और एक अच्छे योग गुरु के अंदर में आके ही हम उनसे पूछ के कि इस मंथ में कौन सा आसन करना है, तभी हम उस आसन को करेंगे। वरना कोई भी एक गलत आसन पूरी जिंदगी हमारी बर्बाद कर देता है। योग कहते हैं कि योग, जैसे किसी को डायबिटीज हो जाना, अर्थराइटिस हो जाना, जॉइंट पेन का होना, थायराइड होना, हाई बीपी का होना, बीपी कंट्रोल में नहीं रहना, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिससे लोग बहुत परेशान हैं, बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दिन भर डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, दिन भर मेडिसिन खाते हैं, बेड रेस्ट हो जाते हैं, पैरालिसिस का अटैक हो जाता है। अगर हम ये बोलें कि योग किसी बीमारी को जड़ से खत्म कर देता है तो ये कहना एकदम गलत है। योग किसी बीमारी को जड़ से खत्म नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, योग के बेनिफिट क्या है? अगर हम डेली योग कर रहे हैं तो हम उन बीमारियों को अपने कंट्रोल में जरूर कर सकते हैं। वो बीमारियां हमारे कंट्रोल में हो जाएगी, और बीमारियां तो कंट्रोल में होगी ही होगी, इन फ्यूचर कोई भी नई बीमारी हमें नहीं लग सकती है। तो इसीलिए अगर किसी को शुगर है तो मंडूकासन करिए, रेगुलर मंडूकासन करिए और अपने डाइट को चेंज करिए। अगर आपको अर्थराइटिस और ज्वाइंट पेन है तो आप प्लीज पश्चिमोत्तासन करिए और सूर्य नमस्कार करिए, देखिए आपको ज्वाइंट पेन में बहुत 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 आराम मिलेगा। अगर आप थायराइड से ग्रसित हैं, आपको थायराइड बहुत ज्यादा है, तो आप रेगुलर उज्जयी प्राणायाम करिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आप माइग्रेन की प्रॉब्लम से बहुत परेशान है सर के दर्द से, जब भी आपको दर्द उठे आप आराम से बैठ के कम 60 बार भस्त्रिका प्राणायाम कर लीजिए, आपको तुरंत माइग्रेन में बेनिफिट मिल जाएगा। तो योग के ऐसे ही बहुत सारे बहुत 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 बेनिफिट है, ध्यान के बहुत सारे बेनिफिट है। नृत्यांगन में तो हम रेगुलर नृत्यांगन हॉबी सेंटर, हमारा 3 ब्रांच है पटना के अंदर, और कम से कम 500 फैमिली से हम जुड़े हुए हैं, और मैं हमेशा योग हफ्ते में कम से कम फिटनेस क्लास में 3 से 4 दिन योग करवाती हूँ और लोगों को योग के बेनिफिट्स बताती हूँ, ध्यान के बेनिफिट्स बताती हूँ। मैं ये जरूर कह सकती हूँ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो उतनी बीमारियों से ग्रसित नहीं हैं।